सूबे में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, दावों की सियासत शिखर पर है, तो कांग्रेस की दिग्गज नेता अंबिका सोनी ने जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास कार्यक्रम डायरेक्ट व दिनेश में कांग्रेस को चुनावी दौड़ में नंबर वन बताने पर विरोधी सवाल खड़े करे और खुद को नंबर वन बता रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि आगामी विधानसभा चुनाव की रेस में अकाली दल बीजेपी गठबंधन अन्य दलों से कोसों आगे है। कांग्रेस स्थिति में है जहां मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि आज एडवांटेज कांग्रेस है पंजाब के इलेक्टर। आम आदमी पार्टी को आप रेस में नहीं, रेस में होगी जहां भी होगी वो अपने आप। मैं कह रही हूं कि कांग्रेस आज दावे के साथ कह सकती है कि आज हम नंबर वन पोजिशन में, ये हमारे वर्कर के बदौलत। पंजाब कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी ने जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास कार्यक्रम डायरेक्ट विद दिनेश में दावा किया था कि सूबे में कांग्रेस पहले नंबर पर चल रही है। कांग्रेस के पहले नंबर के दावे को अकाली दल की सहयोगी बीजेपी सिरे से खारिज कर रही है। पंजाब बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दूसरे और तीसरे नंबर के लिए लड़ रहे हैं, जबकि अकाली बीजेपी गठबंधन रेस में मीलों आगे है। उनका मुकाबला दूसरे और तीसरे नंबर के लिए है। इस समय पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है और उसकी बुखलाहट दोनों पार्टियों में दिख रही है। उधर अकाली दल का कहना है कि कांग्रेस की हालत पिछली बार से भी बदतर है और जिस सूबे में कांग्रेस ने दो बार मात खाई है वहां फिर उसकी वापसी नहीं हो पाई। कांग्रेस पार्टी जदों भी किते किसी सूबे दे विच एक बारी दी बजाय दो बारी हार गई है ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨੰਬਰ ਵਨ ਕਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਤੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਚੁਣਾਵ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਰਾਜਨ ਗੁਸਾਈ ਕੇ ਸਾਥ ਜੀਵਨ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਜੀ ਮੀਡੀਆ।